इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं कि क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। सिलेबस तो आपको मालूम है, इकोनॉमिक्स कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में। अगर आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स जो आपका है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म। तो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यापक, जिसको बोलते हैं बड़ा। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटे हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। और हम लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे BST वगैरह में आप इधर उधर पढ़ सकते हैं, पार्ट ए के जगह पार्ट बी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जब तक आप पार्ट ए नहीं पढ़ेंगे, यानी जब तक आप माइक्रो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मैक्रो समझ ही नहीं सकते। आप सोचेगा कोई बच्चा कि डायरेक्ट मैक्रो पढ़ाइए ना सर, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि माइक्रो जो है इंडिविजुअल वेरिएबल को देखता है, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ता है, और ये जो है एग्रीगेट देखता है। एग्रीगेट समझते हैं? संपूर्ण। जैसे ये एक व्यक्ति के इनकम के बारे में बात करेगा, ये पूरे देश के इनकम के बारे में बात करेगा। एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में बात करेगा, पूरे देश के डिमांड के बारे में बात करेगा। एक व्यक्ति के सप्लाई के बारे में बात करेगा, पूरे देश के सप्लाई के बारे में बात करेगा। बात समझ गए? एक प्राइस, एक फर्म, मतलब एक बिजनेस अपना किसी वस्तु का कीमत कैसे तय करता है यहाँ पता चलेगा, पूरा देश का कीमत कैसे तय होगा यहाँ पता चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ, पहले एक आदमी का सीखना तब ना देश का सीखने में समझ में आएगा। अब एक आदमी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो पूरा देश का तो समझना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? माइक्रो के बिना मैक्रो पढ़ना या मैक्रो सोचना या समझना असंभव है। इसलिए बोला जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन? मैक्रो। लेकिन मैक्रो के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। बताओ, इसको पढ़ने के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए? माइक्रो पढ़ने के लिए मैक्रो का नॉलेज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है इसका? जब हम फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं, अरे एप्पल पढ़ने के लिए ABCD का नॉलेज होना चाहिए, ABCD पढ़ने के लिए एप्पल का नॉलेज होना चाहिए। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते समय इसका नॉलेज का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते समय इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर ये आप पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो का आपको नॉलेज ही नहीं, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, मार्केट क्या होता है, मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। और इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम माइक्रो का स्टडी नहीं कर लेते तब तक मैक्रो का स्टडी पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइक्रो का स्टडी करने का नहीं, इसको पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे बढ़ें तो अभी बताओ, आप लोगों को पूछना चाहते हैं कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग स्टडी करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर हम लोगों को पढ़ने। और इकोनॉमिक्स सबसे डेंजरस पेपर होता है क्योंकि ये रटने वाला पेपर नहीं, ये प्रैक्टिकल पेपर है। जो लोग सोचता है वो सही सोचेगा, जो रट्टा मारेगा वो पॉसिबल है। रटने वाला पेपर है हिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री भी रट सकते हो, BST भी रट सकते हो कॉमर्स में, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रट्टा मार लो, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर। इसलिए देखिएगा, मैक्सिमम जो आपके आसपास में या जो लोग आपको जानते होंगे या जिनको आप जानते हैं, उनका इकोनॉमिक्स का मार्क्स चेक करना हमेशा कम आएगा बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। बाकी सब्जेक्ट में जितना नंबर है, इकोनॉमिक्स में हमेशा नंबर क्या होता है? कम। ये डरा नहीं रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि आप इसको हल्के में ना लें, नहीं तो ऐसा उठा के पटकेगा वो तो क्लास 11th में ही समझ में आ गया होगा, उसका एग्ज़ाम देने के बाद ही औकात समझ आ गई। जो उड़ते थे कि इकोनॉमिक्स तो चुटकी में बना लेंगे, क्वेश्चन का लेवल ऐसा पूछा कि उड़ गए, तो यही समझ में आ गया। इसलिए हम फिर बता रहे हैं कि क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th में भी पटके गई आपको, हल्के में लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप 11th में देखें ना कि 50% सिलेबस दिमाग में आ ही नहीं रहा है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये कहाँ से आ रहा है। तो जब डेप्थ में जाके घुस के पूछ देगा अंदर से तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने का ज़रूरत है। कोई दिक्कत किसी को? ये पहले भी बता दिया गया सिलेबस में कि दो पार्ट में बटा हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखो PDF आपके एप्लीकेशन में डाल दिया गया है,
ठीक है, वैसे जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके एप्लीकेशन में हटा देंगे, जो ऑनलाइन है उसी के पास रहेगा, रेगुलर वाले नोट्स बनाएंगे लिख लिख के, सब कुछ रेडीमेड देना ठीक बात नहीं है, नहीं तो पढ़ लिखने का आदत छोड़ देता है लोग। और जो ऑनलाइन वाले कैंडिडेट वो भी अपने कॉपी में लिखेंगे, लिखने का आदत छूट जाएगा, सब्जेक्टिव में हाथ नहीं चलता है, हाथ दर्द करने लगता है लिखने में। इसलिए चलिए इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहले पार्ट ए पढ़ रहे हैं और पार्ट ए में यूनिट वन पढ़ रहे हैं। और यूनिट वन में क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जान तो ले। तो याद कीजिए आप इलेवंथ में भी कुछ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, किसने दो पार्ट में पहली बार बांटा था? हाँ, प्रोफेसर रैगनर फ्रिस, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, माइक्रो एंड मैक्रो। किसने बांटा? रैगनर फ्रिस। प्रोफेसर रैगनर फ्रिस ने पहली बार इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के व्यू से, कि पढ़ने के दृष्टिकोण से, इसको दो पार्ट में बांटा है, माइक्रो एंड मैक्रो, एक छोटा और एक बड़ा। याद रखना है, कौन सा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? ओस्लो। बहुत बहुत बार एमसीक्यू में पूछ देता है कि किसने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, तो दिक्कत है, किसने बांटा? रैगनर फ्रिस ने। अब देखो, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने से पहले एक टेबल हम नीचे बनाए, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है ना, उसको इकोनॉमिक। इस दुनिया में जितने लोग काम करते हैं वो दो तरह का एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक क्रिया और नॉन इकोनॉमिक मतलब गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया मतलब जहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, जैसे पूजा कर रहे हैं, तो पूजा अगर हम अपने से कर रहे हैं तो क्या पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, मन में अच्छा लगता है। किसी गरीब बच्चे को हेल्प कर दे रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा लगता है। देश सेवा कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसलिए देश के लिए काम कर रहे हैं। तो याद रखिए कि ये सारे इकोनॉमिक्स किसके अंदर आते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, वो सर्विस मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स है, वो नॉन इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके अंदर क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में क्या लगता है, नॉन इकोनॉमिक पढ़ना है कि इकोनॉमिक पढ़ना है? इकोनॉमिक पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, देख लो यहाँ लिखा हुआ। हम लोग सीधा सीधा बोले इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पैसा कमाना शामिल होता है, एक लाइन में उसी को ये डेफिनेशन में डाला है। देखिए कैसे डाला है, वो समझिएगा क्या बोल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार मींस आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। छोटा सा परिभाषा लिखा है लेकिन बुझाया नहीं कुछ, पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तो हमारे पास बैठे हो। ध्यान देना इस दुनिया में, अच्छा इस दुनिया में लोग गरीब क्यों हैं? जिसको पूछो गरीब है, जिसको पूछ लो अरे गरीब आदमी भाई, जिसको पूछो बोलेगा पैसा बहुत कम है, सबके पास पैसे की तंगी। हम बताएं इस दुनिया में अमीर बनने का एक ही मात्र सोलूशन है, उस आदमी को पूछोगे बोलेगा एकदम अमीर आदमी है, मेरे पास कोई कमी नहीं। जानते हो क्या करना है, तब कब इस दुनिया में तब तक गरीबी है जब तक हम लोग अभी इस ज़िंदगी में जी रहे हैं। हम आपको एक अलग ज़िंदगी बताते हैं, उसमें आपको कोई कमी ही नज़र नहीं आएगी, आप संतुष्ट व्यक्ति होंगे समाज के, आपके अंदर गरीबी नाम का शब्द ही नहीं होगा। बता दें, पैसा नहीं दियो लेकिन इसका बता दें, आप अपनी इच्छाओं को लिमिटेड कर दो, सीमित कर दो इच्छा को, कि हमको टीवी नहीं खरीदना, हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमको कार नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए। आप इस देश के दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहलाओ, लेकिन क्या कोई मार सकता है अपनी इच्छा को? मार दो, हमको मोबाइल नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, हम आराम से अपना एक झोपड़पट्टी में जिएंगे, खाना खाएंगे, मस्त ज़िंदगी काटेंगे, ना मोबाइल ना टीवी कुछ नहीं, ना हमको फ्रिज चाहिए ना कूलर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक कपड़ा मिल जाए, खाना मिल जाए, छत है, टूटा है फूटा है कोई दिक्कत नहीं, मस्त ज़िंदगी कटेगी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है, जितना है उसमें खुश है, मस्त है। लेकिन बाकी जो लोग अपनी इच्छा को नहीं मार सका, बताओ कोई पहाड़ में जाके इच्छा अपना मार के पहाड़ में बैठा हुआ है, उससे मस्त आदमी कोई मिलेगा?
हाँ साधु संत अगर पहाड़ में बैठा हुआ है तो उससे मस्त आदमी कोई मिलेगा, उसको पूछा एकदम मस्त है, कभी ज़िंदगी में उदास नहीं होता, कभी उसको कोई तकलीफ़ नहीं, देख लेना मस्त है। किसी के यहाँ मांगा मिला तो खाया, नहीं मिला तो मस्त अपने ज़िंदगी में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को नहीं मार सके, तो नहीं मार सके तो गरीबी में जी रहे हैं। अच्छा शुरू में इच्छा था किसी तरह एक साइकिल ख़रीद लेते, साइकिल आ गया तो तुरंत इच्छा बदल गया, साइकिल लेके आया, मान लो साइकिल ख़रीदा, नया नया गया ससुराल, वापस आया, अब बैठा घर में, बोला बड़ा दिक्कत है, मोटरसाइकिल वाला बड़ा तेज़ निकल जाता है सही करके, मोटरसाइकिल रहता तो मज़ा आ जाता। अब फिर उसका इच्छा क्या हो गया, मोटरसाइकिल, फिर गरीब हो गया वो, दो सेकेंड के लिए अमीर बना था कि मेरे यहाँ साइकिल आ गया, अब फिर गरीब बन गया। क्योंकि तुलना किससे करता है जानते हो, अपने वाले से नहीं करता है, अपने से ऊपर वाले से करता है, तो गरीबी तो यहाँ है भैया। अपने लेवल से तुलना करो ना, कि हम जिस लेवल में उस लेवल में कौन आदमी, तो तुलना करेगा अपने है इधर रोड साफ और रोडपति, और तुलना करेगा करोड़पति, तुलना तो गरीबी तो दिखेगा ना यार, उससे तो हम गरीब हैं। इस दुनिया में समस्याएं यही है कि अनलिमिटेड वांट्स है, लोगों की इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूरा होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा शुरू होता है, तो समस्या आएंगी कि नहीं आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस अनलिमिटेड वांट्स को, जो असीमित आवश्यकता है, देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले, जो हमारी असीमित आवश्यकता अनलिमिटेड वांट्स है उसको कैसे फुलफिल करें, यही इकोनॉमिक्स बताता है, ध्यान दीजिएगा। आप अपनी अनंत आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकताओं को, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करोगे, ये इकोनॉमिक्स आपको बताता है। तो देखो क्या लिखा है, असीमित आवश्यकता, इस दुनिया में किसी की आवश्यकता सीमित है, कोई बोल सकता है कि हमको इतना ही चाहिए इसके बाद नहीं चाहिए, अगर उसको उतना दे दोगे तो अगला डिमांड कर देगा, अब दे दो उसको उतना जितना उसको चाहिए, नहीं बोलता है कभी हमको इतना ही चाहिए, आप उतना दे दो अगला डिमांड कर देगा तुरंत, कि अब तो ये मिल ही गया अब अगला बताओ, तो हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इच्छाएं असीमित है, अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और आगे लिखा है, और साधन क्या है, सीमित है। गरीबी तो यहाँ ना है, इच्छा है कि ये भी कपड़ा खरीदे, ये भी कपड़ा खरीदे, तीन कपड़ा पसंद आ गया, तीन शर्ट पसंद आ गया, लेकिन पैसा पॉकेट में 1500 ही है और तीनों का कीमत 1500। गरीबी तब है, समस्या तब है, बात समझ गए। इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, और उसको पूरा करने का साधन यानी पैसा क्या है, लिमिटेड है। गरीबी यहाँ है जी, अगर ये भी अनलिमिटेड है और ये भी अनलिमिटेड हो जाए तब कोई दिक्कत है। अब बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश के, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, इच्छाएं अनलिमिटेड कि हमको प्लेन खरीदें, अपना फाइटर जेट, प्राइवेट जेट रखेंगे, पैसा अनलिमिटेड, आगे घर के बाहर, उसको गरीबी बोलते हैं। इच्छा भी है, पैसा भी है, तुरंत आ गया, मन किया कि अरे कपड़ा खरीदना है, 6-7 कपड़ा पसंद आ रहा है, पैसा अनलिमिटेड बोलता सब ले लो, चॉइस वॉइस कुछ नहीं, सब उठाओ, बात समझ गए। उसके साथ ये समस्या आएगी, नहीं आएगी, लेकिन 99% पॉपुलेशन तो ऐसे हैं जिनके पास इच्छाएं अनंत है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने का जो साधन जिसको हम पैसा बोलते हैं वो लिमिटेड है। अब समस्या इकोनॉमिक्स का ही आ जाता है, और एक बंदा इकोनॉमिक्स पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए यही पता चलता है कि आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से यानी सीमित साधन से अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ये बताता है इकोनॉमिक्स। फिर से सुनेगा, इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से अनंत आवश्यकताओं को सीमित साधन से कैसे पूरा करेंगे। इच्छाएं बहुत है और पैसा सीमित है, अभी सीमित पैसे से अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे ये कौन बताता है, ये इकोनॉमिक्स बताता है, कोई दिक्कत है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बताता है। और यही पढ़ना है आपको कि एक व्यक्ति अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेगा, इसी को क्या बोलते हैं। अब इसके अंदर जितने कंटेंट आप पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे इस टॉपिक में, उसी को कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बात समझ गए। यानी पूरा इकोनॉमिक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों में से कैसे करेंगे, कोई दिक्कत है। पूरा इकोनॉमिक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों में से कैसे करेंगे, तो बोलता है सीमित साधनों में से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमिक्स मीन्स टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे फुलफिल करोगे, यही तो इकोनॉमिक्स है। बात समझ आई सबको, समझ आई। अब बताओ गरीबी समझ में आ रहा क्यों है, इच्छाएं क्या है, अनंत है, और उसको पूरा करने का साधन क्या है। अब पॉकेट में रहता है कि जो हम लोग
स्टूडेंट लाइफ में, छात्र जीवन में पैसा है 500 रुपया और इच्छा खूब है, लगता है ये वाले ले लेते ज़्यादा अच्छा था, तो वहाँ लगता है कि हम गरीब हैं, वही खलता है अंदर से, टक से मारता है, अरे यार गरीब है, तकलीफ़ है हम लोगों को, बात समझ गए। और ये तकलीफ़ किस तक, कब तक है, जब तक ये लिमिटेड है, देखो ये लिमिटेड है, पैसा अगर अनलिमिटेड आ गया फिर गरीब कहेगा जी जो मन करेगा वो, कल प्लान बना के दुबई जाना है चलो, पैसे का दिक्कत ही नहीं, लेकिन हम लोग दुबई छोड़ दो रांची घूमने का प्लान बताए तो आ जाता है पॉकेट पर हाथ, यार पैसा नहीं है इसलिए नहीं जा पाते, समस्याएं क्या है वो देखो, बात समझ गए। इस दुनिया में सारे इंसान की समस्या यही है कि उसकी इच्छाएँ जितनी है उतना उसके पास साधन नहीं है, जिसके कारण वो अपने आप को हमेशा समझता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है और वो किसी काम को पूरा नहीं कर सकता, तब वो च्वाइस आ जाता है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे के पास 10 रुपया है, भूख भी लगा है, पेन भी खरीदना है क्योंकि कल एग्ज़ाम है और पिक्चर भी देखने का मन कर रहा है, वो क्या करेगा? देखो ये लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, कोई बोल दिया पेन खरीदेगा और क्या लगता है इस देश के सारे लोगों का राय ये लोग बता दिया, सब बच्चा पेन खरीदेगा? नहीं सर, इकोनॉमिक्स में कभी मत बोलिए, इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का राय बदल जाएगा, कोई बोलेगा पेन कल खरीद लेंगे, पहले चलो पिक्चर देख लेते हैं आज, कोई बोले पहले खाना भैया पिक्चर पेन बाद में, जिंदा रहेंगे तब ना, किसी का डायलॉग ये होगा, आपको बोले ना थोड़ा सा भूख बर्दाश्त ही कर लेंगे, पेन नेसेसरी है, कल अगर पैसा नहीं रहा तो एग्जामिनेशन से पहले हम पेन कैसे खरीदेंगे? इसका मतलब है कि लोगों का सोच अलग अलग, आप कैसे डिसाइड कर दोगे किसी का सोच कैसा है? इसलिए मार्केट, यही तो दिक्कत है मार्केट में, इसलिए इकोनॉमिक समझ नहीं आता सबको ना, मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप अपना कुछ नहीं थोप सकते, लोगों का व्यू क्या है ये देखना पड़ेगा, क्या हमारे से पढ़ के सारे लोगों का व्यू एक जैसा है? कुछ बच्चा हमको मानता भी होगा ठीक पढ़ाते हैं, कुछ ये बोलता है ठीक पढ़ाते हैं लेकिन, लेकिन लगाता है उसमें, अब कुछ को बहुत नाराज़गी है कि बहुत डांट देते हैं या बहुत बात एकदम कड़वा बोल देते हैं, बहुत लोगों को नाराज़गी, सारे कस्टमर का मन का जो विचार है वो क्या एक जैसा रहेगा? किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं रहेगा, वो हमेशा बदलेगा, यही तो इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक समझ गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे, ये क्या बताता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। देखिए यहाँ फिर वही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ ऐसी एक्टिविटी से है विच इज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हो, क्या करते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हो किसके लिए, बोलता है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सीमित साधनों का अगर प्रयोग करते हो तो वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखा जा सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ ऐसी एक्टिविटी से है जहाँ आप अपने अनलिमिटेड वांट्स की पूर्ति लिमिटेड रिसोर्सेज में से करते हो, या इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ ऐसी एक्टिविटी से है जहाँ आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने संतुष्टि को पूरा करते हो, अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। अब नीचे देखिए, नीचे लिखा है फिर एक और, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट नेसेसरली जनरेट इनकम, बोलता है सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे इनकम ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्टिविटी ऐसे भी होते हैं जो इनकम जनरेट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इनकम जनरेट नहीं होता है, ज़रूरी नहीं जनरेशन ऑफ इनकम है, जैसे प्रोडक्शन, किसी सामान को बना रहे हो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन क्या यहाँ पैसा जनरेट हो रहा है? जब बेचेंगे तब ना पैसा जनरेट होगा, पैसा कहाँ जनरेट होगा, एक्सचेंज में, पैसा कहाँ जनरेट होगा, एक्सचेंज में, कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं, देखो यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितने तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, तो बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, चार तरह के, पैसा कमाने के लिए लोग कितने तरह का काम करता है, चार तरह का काम करता है। सबसे पहला काम है कंजम्पशन, सबसे पहला काम क्या है, कंजम्पशन, उपभोग, उपभोग समझते हो, अरे आप खरीद के खाते हो ना, कपड़ा खरीद के पहनते हो ना, मतलब यूज़ करना, उपभोग का मतलब क्या होता है, यूज़ करना, यूज़ नहीं खपत करना उसको बोलते हैं उपभोग। दूसरा उत्पादन, दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। तीसरा एक्सचेंज है, विनिमय करना, विनिमय मतलब सेल, इसको आप सेल बोल सकते हो, ठीक है, अगर और हिंदी में जाना है तो विक्रय बोल सकते हो, एक्सचेंज का मतलब होता है सेल, हम क्या करें यहाँ पे बताओ,
एक्सचेंज कर रहे हैं आपसे अपने सर्विसेज को। ऐसा मत बोलना ज्ञान बेच रहे हैं, हम ज्ञान नहीं बेच रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपको अपना सर्विस दे रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। बताओ जी, आपके पापा बैंक में पैसा लगा रखे हैं, सहारा में लगा रखे हैं, सोना में, जहाँ भी, या ज़मीन खरीद रखे हैं, या गाड़ी खरीद रखे हैं, ये क्यों खरीद रखे हैं? इन्वेस्टमेंट क्यों कर रखे हैं? पैसा कमाने के लिए, हाँ या नहीं? लेकिन अपने घर वाले मोटरसाइकिल में पैसा लगा दिए रखे हैं, तो क्या वो पैसा कमाना है? तभी तो हम लोग ऊपर पड़े कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। अपने घर के गाड़ी खरीदें पैसा कमाने के लिए, अरे वो अपने चढ़ने के लिए खरीदे ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुआ, पैसे का तो आदान प्रदान हुआ। तो बोलता है सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए नहीं होते, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं खोले जाते। अब चलते हैं एक्सचेंज। बताओ बिक्री कितने तरह का, कौन कौन सा सामान बेचा जाता है? बोलता है या तो सामान बिकेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज के अंदर आपको पढ़ना है सामान की कीमत का निर्धारण, कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करेंगे कि कोई वस्तु कितने रुपए की। तो सामान का कीमत का निर्धारण किसके अंदर पढ़ते हैं? एक्सचेंज के अंदर, प्रोडक्ट प्राइसिंग। और बताओ सेवा का कीमत कैसे तय करो? बताओ जी, हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं उसका कीमत क्या होगा? हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा जो खून जल रहा है, उसका कीमत क्या होगा, कैसे निकालो? बिजली बिल जोड़ेगा, और क्या जोड़ेगा? रूम का रेंट जोड़ेगा, और इधर जो डीजल पेट्रोल अंदर से जा रहा है वो, उसका कौन जोड़ेगा? बताओ कीमत बता दो मेरा कितना होगा, मेरे सर्विस का। मेरा कीमत मत बताना, बताओ जी क्या, वही तो पूछ रहे कि मेरा कीमत क्या होगा सर्विस का। अब बोलोगे जो फी ले रहे हैं वही आपका कीमत है, ऐसा नहीं है। उसके सर्विस का कॉस्ट किसी का ज़्यादा होता है, किसी का क्या होता है, कम होता है। तो सर्विस का कॉस्ट अलग है। अगर हम सर्विस का कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब सर्विस कॉस्ट। फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर्विस कॉस्ट। अच्छा, बिजली कंपनी आपको क्या देती है, सामान बना के दे रही है या सर्विसेज दे रही है? तो बिजली कंपनी कैसे तय करती है कि एक यूनिट जलाओगे बिजली तो हम 7 रुपये लेंगे या 6 रुपये लेंगे, रेट है ना एक यूनिट का 6 रुपये। तो कैसे तय करता होगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग से या फैक्टर प्राइसिंग से? फैक्टर प्राइसिंग से। वो भी फैक्टर प्राइसिंग के जरिए कीमत तय करता है कि सर सामान का कीमत इतना, तो फैक्टर का कीमत इतना। अच्छा, बस वाली कंपनी आपको सामान बेच रही है या सेवा दे रही है? सेवा दे रही है। तो वो कैसे तय करता होगा कि यहाँ से वहाँ तक जाने का भाड़ा कितना होता है? क्या? हाँ, वो कुछ लोकल गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से, पता चला हजारीबाग से गांव जाती है, गांव से यहाँ, तो फिक्स देख लिया कि वो उतना लेता है 70 रुपये, हम भी 70 रुपये लेंगे। अब उसका 70 में बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मेरा बचेगा कि नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 70 ले रहा है तो हम भी 70। हाँ, मार्केट में जो चल रहा है वही लेंगे, ये बेवकूफ़ी वाला निशान होता है। अब बताओ जी, कोई अगर यहाँ से गाड़ी जाती है रांची सुबह 9 बजे या 7-8 बजे, वो क्या करता है कि भाड़ा सब जगह पे 100 रुपये है, वो 100 रुपये लेता है और लेते जाता है। अब एक 12 बजे बस है, वो भी 100 रुपये लेता है। जानते हो 12 बजे वाला बस लुटा जाएगा, कुछ दिन में उसका बस खड़ा हो जाएगा, और 8 बजे वाला बस चलते रहेगा 100 रुपये में। क्यों? 8 बजे पैसेंजर ज़्यादा जाते हैं, बहुत सारे लोग हजारीबाग में रहते हैं, रांची में नौकरी है तो आते जाते यहीं से, तो 8 बजे बैठे चल दिए, तो इसका मतलब 8 बजे वाला बस भरा हुआ जाता है। अब 12 बजे वाला बस खाली जाएगा, तो 100 रुपये में खाली बस में कहाँ से पोसाई पड़ेगा उसको, तो उसका क्या होता है, बस खड़ा कर देगा लास्ट में, कह रहे वो हम कमाई नहीं रहे। उसका देखो 1 से 2 बस हो गया, 3रा बस हो गया, क्या हो रहा है, वो भी तो 100 रुपये लेते हैं, हम भी 100 रुपये ले रहे हैं। तो भैया आप ये मत देखिए कि वो कितना ले रहा है, आप हर सिचुएशन को देखिए कि आपका वैकेंट सीट कितना जा रहा है, उसका वैकेंट सीट नहीं जा रहा है, पूरा खाली भरा भरा था और खड़ा होकर लोग जा रहे हैं, और आपका सीट वैकेंट है, तो आप कहाँ से कमा पाओगे, वो तो उतने में कमा देगा। इसीलिए देखा देखी वाला प्राइस जो रखता है ना बाबू, उसका देखना, गांव में भी बहुत लोग बस खरीदा होगा, चलाया होगा, उसके बाद 1 महीना 2 महीने बाद ख़त्म बस, वो कहाँ गया भैया, मतलब पता नहीं चलता है प्रॉफिट, चला तो रहे हैं प्रॉफिट ही नहीं पता चल रहा, बसें बंद हो गया उसका, क्यों? कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ देखना है, दूसरा का देखा देखी प्राइस तय होगा। बताइए, आपका ट्रक है, ट्रक सर्विस आप देते हो, अब किसी दिन हमारा ट्रक, आपका ट्रक जो है हजारीबाग से सामान लेके लखनऊ गया, किसी दिन लखनऊ से पता चला जमशेदपुर जाएगा,
और कभी कभी हो सकता है ऐसा कि दिल्ली से निकल के और हिमाचल प्रदेश जाना है, तो रेट एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा, कैसे तय करोगे? ये तो ठीक है, रोज़ यहाँ से गांव से आते हैं हजारीबाग, हजारीबाग से गांव, गांव से हजारीबाग, इसको तो आइडिया हो गया कितना लगता है। जो नया नया जगह जाते रहेगा उसको कैसे आइडिया लगेगा कितना लगेगा? उसका कैलकुलेशन होगा ना, तो कैलकुलेशन होगा तो वो कैसे तय करेंगे? फैक्टर प्राइसिंग के जरिए। कैसे तय करेंगे? फैक्टर प्राइसिंग के जरिए। तो बोलता है जहाँ पे सामान बनता है सामान का कीमत तय होगा प्रोडक्ट प्राइसिंग से, और सेवा का लागत तय होगा फैक्टर प्राइसिंग से। याद रहेगा किसी भी सर्विस का, और सर्विस क्या क्या बताइए? बिजली कंपनी सर्विस देती है, बस कंपनी, ट्रक कंपनी सर्विस देती है, हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, और बताइए और कौन सर्विस दे रहा है? आप लोग जो जियो और एयरटेल को यूज़ कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन का मोबाइल कंपनी सर्विस नहीं दे रही है। मोबाइल क्या है? प्रोडक्ट है। सर्विस तो आपको नेटवर्किंग, जिसको कम्युनिकेशन कंपनी बोलते हैं, वो दे रहा है। टेली कम्युनिकेशन एयरटेल सर्विस दे रहा है, जियो सर्विस दे रहा है, इसका कॉस्ट कैसे निकलता होगा? जियो कैसे कॉस्टिंग करता है कि 699 का 3 महीना का रिचार्ज करा लेंगे तो ठीक है? कोई तरीका होगा कि बस मुँह से निकल गया तो हो गया? तरीका होगा, बात समझ गए? ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और बताइए कौन सर्विस दे रहा है? बैंक आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है? सर्विस। तो ये सब का भी तो कैलकुलेशन होगा। तो सर्विस का जब लागत निकलेगा तो कौन सा काम करेंगे? फैक्टर प्राइसिंग करेंगे। और जब सामान का कीमत तय होगा तो कौन सा प्राइसिंग करेंगे? प्रोडक्ट प्राइसिंग करेंगे। याद रहेगा सब बच्चों को, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग, यही हम लोगों को करना है कि कैसे तय करेंगे प्रोडक्ट का कीमत और कैसे तय करेंगे फैक्टर का कीमत। अब एक एक करके सबको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। तो सबसे पहले कंजम्पशन के बारे में बात कर लेते हैं। बोलता है उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएँ। बोलता है इस दुनिया में जितने लोग हैं, अपनी आवश्यकता है ना व्यक्तिगत, अरे पर्सनल नीड है कि नहीं? पापा तुम लोग एकदम खाने पीने ट्यूशन का सारा पैसा दे दो, उसका भी 1 रुपया एक्स्ट्रा पैकेट में ना दे तो क्या करते हो? मुंह फुला के बैठ जाते हो। पापा बोले और क्या चाहिए जी, ट्यूशन का पैसा दे दिए, रूम रेंट दे दिए, जहाँ जहाँ पैसा देना था दे दिए, तब कहा मुँह फुलाया? बोलता मेरा अपना जरूरत नहीं है। तो लोग मने करेगा थोड़ा सा समोसा खाना है तो कहाँ से खाएंगे? पर्सनल नीड है कि नहीं? बोलता है लोग पर्सनल नीड या पूरा एग्रीगेट नीड, मतलब व्यक्तिगत आवश्यकता या तो सामूहिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी काम करता है, ठीक है, उस बोलता है कि संतुष्टि को में वस्तुओं और सेवाओं का जो उपयोगिता का उपभोग करता है उसको हम लोग बोलते हैं उपभोग, कंजम्पशन। यानी हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को या सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का या सेवा का की उपयोगिता का जो उपभोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोग। जैसे भोजन करना कंजम्पशन है कि नहीं? कपड़ा पहनना कंजम्पशन है कि नहीं? आप यहाँ बैठे हैं कंजम्पशन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरे सेवा का आनंद ले रहे हैं, कंजम्पशन है ये भी, तो कंजम्पशन कराता है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के अंदर क्या किया जाता है? किसी वस्तु या सेवा का यूटिलिटी क्रिएट किया जाता है, उपयोगिता बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, देखिए वही चीज़ है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से, ध्यान देना, उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर कपड़ा सिलना, अच्छा जब तक दर्जी साहब कपड़ा सिल ना ले उससे पहले कपड़े का कीमत, और जब कपड़ा तैयार हो गया उसके बाद कपड़े का कीमत में अंतर होता है या एक ही जैसा रहता है? मतलब नॉर्मल कपड़ा और जब वो शर्ट में कन्वर्ट हो जाए या कपड़े में पहनने लायक हो जाए तब दोनों का प्राइस एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? क्या क्या करता है दर्जी? तो दर्जी उसका वैल्यू ऐड करता है। क्या ऐड करता है? वैल्यू ऐड। पहले उसका कोई वैल्यू नहीं था, आप उसी तरह लपेट लेते, लेकिन जब उसका वैल्यू ऐड करता है, उसको सिस्टमेटिक सजा के आपको देता है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है? और आगे क्या है? बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीर कर कुर्सी मेज बनाना। अच्छा लकड़ी आपको दे दे तो मोटा सा पेड़ दे दिया, लो शादी हो रहा है तो पता चला कि दहेज में डाल दो सब, दो चार, हाँ एक शीशम का पेड़ कटा था, लाद दो सब गाड़ी पर और उसी पर सोएगा सब, मजा आएगा। अच्छा उसका कीमत कम है, तुम भले अच्छा लकड़ी दिया, लोग फर्नीचर बना के, अच्छा बेड बना के देता हो, सड़ा हुआ बेड रहता है, वो 2-4-10 साल में ख़राब हो जाएगा, तुम एकदम प्योर लकड़ी दिया शीशम का, लेकिन फिर भी पूरा पूरा बेटी का जो ससुराल होगा ना पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं समझते हैं ना, बदनामी हो जाएगी कि क्या दिया है, गजब आदमी है, एकदम मोटाट परिवार है जी।
लकड़ी भेज दिया है, लड़की के साथ लकड़ी ये तो और समस्या है, जबकि आप अच्छा चीज़ दिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बदनामी हो रही है? क्योंकि आपने ऐसा काम कर दिया जहाँ वैल्यू ऐड नहीं था। आप उसको कुछ मत कीजिए, उसी का फर्नीचर का काम करके और दीजिए, तो देखिए आपका नाम होगा। मतलब क्या कर रहे हैं आप, वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं, उसका मूल्य बढ़ा दे रहे हैं। वो लकड़ी का कोई कीमत नहीं है, जब उसी से फर्नीचर बन जाएगा, उसी से बेड बनेगा, उसी से चेयर बनेगा, तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन होता है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत है? तो जब भी कोई काम प्रोडक्शन जहाँ भी होगा वैल्यू ऐड हो जाएगा। सोचो ये जितना भी कुछ देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल बोर्ड में, ये अलग अलग है तो कोई वैल्यू नहीं है। जब एक साथ हो गया तो इसका वैल्यू एडिशन हो गया, फिर इसको लोग पैसा देता। बताओ, हम लोग मक्का खाते हैं ना, मकई समझते हो ना, गांव में खाते थे, लेकिन गांव वाला जो मकई होता है हम लोग घर में जो खाते हैं उसका, और जो पॉपकॉर्न खाते हैं इधर, ये महंगा बिकता है और सस्ता बिकता है, लेकिन बनता तो एक ही जगह से, प्रोडक्शन तो एक ही जगह से ना होता है। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो उसको वैल्यू ऐड किया, उसके दाने को क्या किया तरीके से, वो उसको गर्म करके या केमिकल रिफाइन करके उसको बना दिया, केमिकल नहीं बोल सकते, उसमें कुछ एडिशन करके उसको बना दिया, रेडी कर दिया कि आप हीट करोगे तो ऑटोमेटिक वो, ठीक है, पूरा का पूरा बढ़िया बन जाएगा पॉपकॉर्न, नमक मिला हुआ है सब कुछ। हम लोग ऊपर से नमक डालते थे गाँव वाले पॉपकॉर्न में, तो किसी में ज़्यादा नमक गिर जाता था, किसी में आता ही नहीं था, तो कभी खाए तो नमक नहीं और कभी खाए तो फिर पानी पीना पड़ता था, मज़ा नहीं आता था। वही क्या किया कोई कंपनी वाला, उसका वैल्यू ऐड कर दिया उसमें और मज़ा दे दिया लोगों को कि एक बार खाए तो मज़ा आ जाए। 50 रुपया दे रहा है कि नहीं, इतना छोटा पैकेट का हाँ या नहीं? 50 रुपया दे रहे हैं सर। गांव में किसी के घर चल जाओ, एक फ्री में दे देता, अरे खाओ यार, उसका छोटा सा पैकेट है सर, 50-60 दाना होगा, 50 रुपया ले रहा आपसे। क्या किया वो? वैल्यू ऐड कर दिया। बात समझ में आया? वो क्या कर दिया? वैल्यू ऐड कर दिया। अब एक्सचेंज का मतलब बताएं, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सेल। एक्सचेंज में दो चीज़ होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। देखो यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब वस्तु का कीमत तय करना, और फैक्टर प्राइसिंग का मतलब सेवा का कीमत तय करना। कोई दिक्कत किसी को? और निवेश क्या होता है? बोलता है निवेश वह आर्थिक क्रिया जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि अगर फ्यूचर में आप गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो प्रेजेंट में अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निवेश। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मशीन खरीदा, ऐसा मशीन खरीदा जिसके द्वारा कपड़ा सिलाई हो सकती है, ऐसा मशीन खरीदा जिसके द्वारा कपड़ा सिलाई हो सकता है, यानी फ्यूचर में उससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो अगर कपड़े के मशीन में पैसा लगाया गया तो उसको क्या बोलेंगे? निवेश। यानी निवेश का मतलब ऐसे जगह पे पैसा लगाना जिससे भविष्य में उत्पादन कर सकते हैं, ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स, निवेश। आज यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना फिर लिखना भी पड़ेगा सबको, तो यहाँ तक आप पढ़िए और अगले क्लास में इसके आगे का हम लोग देखते हैं। लेकिन चारों जो टॉपिक आपको बताया गया है, अगले क्लास में किसी को भी खड़ा करके पूछ दिया जाएगा। अगर आप बताते हैं तभी आप पढ़ने के हकदार हैं, और नहीं तो देखो इधर नींद मार रहा है।